मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, इस वक्त सरकारी कर्मचारियों की और वो कर्मचारी जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनकी पुरानी पेंशन को लेकर और एक बहुत बड़ा वर्ग है केंद्र सरकार में MTS की, यानी मल्टीटास्क सर्विस कर्मचारियों की। इन दो बड़ी प्रॉब्लम को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरे देश का इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं और उन सब चीज़ों को देख रहे हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम है या जहाँ लगता है कि BJP को कम वोट आएगी, वहाँ वो कोई ना कोई स्टेप उठा रहे हैं और उनका ऐसा लगता है कि जो आपकी बाढ़ 400 पार का नारा है वो पूरा होने जा रहा है। लेकिन वहाँ जो सरकारी कर्मचारी हैं, लगभग 70 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशन भोगियों की भी उसमें संख्या हम जोड़ दें तो 1 करोड़ से ज़्यादा होती है और MTS भी इसमें जोड़ दिया जाए और इनके परिवार के लोगों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 5-7 करोड़ ये बैठते हैं। और इनकी उम्मीद इसलिए है प्रधानमंत्री से कि ये लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ही इस काम को कर सकते हैं। जैसे कल भी प्रधानमंत्री ने क्रिएटिव अवार्ड में बोला कि वही करेंगे इस काम को, अगले साल भी वही करेंगे, यानी जो उनका कॉन्फिडेंस है और जो देशवासियों को आकर्षित करते हैं उसी आकर्षण में ही सरकारी कर्मचारी बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि उनको पुराने पेंशन मिल जाए या जो सरकार ने प्रस्ताव किया था, यानी केंद्र सरकार की जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, स्पेशल विशेषज्ञ कमेटी, उसने भी रिकमेंड किया कि 50% की गारंटी दो, तो वो भी सरकार ने उस पर डिसीजन नहीं लिया। और चूंकि चुनाव घोषणा में अब लगभग 1 हफ्ते का समय रह गया, 15 मार्च तक घोषणा हो जाएगी, आज 9 मार्च हो गए हैं तो 1 हफ्ता का समय रह गया और प्रधानमंत्री का पूरा हैक्टिक इस वक्त शेड्यूल चल रहा है और कैबिनेट में भी डिसीजन हो रहे हैं। जैसे अभी 100 रुपये का जो LPG है उसमें छूट और दी गई है, अभी सुधा मूर्ति को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है, उसका हालांकि बहुत ही एप्रोप्रिएट व्यक्ति को, एक महिला को सही जगह, यानी उनको जो है राज्यसभा दिया गया है। और लेकिन उनका एक मैसेज ये भी जा सकता है कि वो दक्षिण भारत से हैं और दक्षिण भारत के लोगों पर उसका असर पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। तो मित्रों, अब इस पे हम थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं क्योंकि पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी आंदोलन में हैं और 6 मार्च को उन्होंने देश भर में एक आंदोलन भी किया था, दिल्ली में भी बहुत सारे लोग प्रदर्शन किए और बहुत सारे राज्यों में भी अलग अलग स्तर पर वहां प्रदर्शन हो रहा है। तो पुरानी पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से डिमांड की थी कि हमारी पुरानी पेंशन को लागू कर दो क्योंकि 2004 के बाद जो भी भर्ती हुए हैं उनको नई पेंशन मिल रही है, NPS मिल रहा है। NPS में उतना बेनिफिट नहीं है, NPS में उतना रिटर्न नहीं आ रहा है जितना कि पुरानी पेंशन में था। पुरानी पेंशन में 50% की गारंटी थी, जो लास्ट पेमेंट आपकी होती है, लास्ट सैलरी होती है। अब उसमें चूंकि हमने भी बहुत सारे उसमें वीडियो बनाए और हमारे भी जो इन्फॉर्मेशन थी कि सरकार उसकी चुनाव से पहले घोषणा कर देगी, पहले बजट में घोषणा करने की थी लेकिन पता नहीं क्यों सरकार ने अपना मन बदला और अब ऐसा लगता है कि चुनाव की घोषणा होने तक सरकार के पास या तो उनके ध्यान में नहीं या फिर वो हो सकता है कि चुनाव से ठीक पहले कर दे ताकि लोग खुश होकर घूमें। जैसे अभी DA तो बढ़ा ही दिया, हालांकि रूटीन है लेकिन इस वक्त बढ़ाने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने जो आपके पाठक हैं, जो आपके ऑडियंस हैं, जो आपके लाभार्थी हैं, उनको बेनिफिट होता है। तो अभी सरकारी कर्मचारियों के जो हमारे पास इनपुट आ रहे हैं, जो लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, सबकी यही डिमांड है कि किसी न किसी तरह से उनको पुरानी पेंशन दी जाए। अगर पुरानी पेंशन नहीं देते तो जो NPS में सुधार हो रहा है इसमें 50% गारंटी देनी है, जो आंध्र प्रदेश का स्टाइल है, आंध्र प्रदेश ने जो एडॉप्ट किया है कि जो आखिरी सैलरी है उसका 50% की गारंटी हो। जैसे अभी NPS में 10% सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह कटती है और उसमें 12% सरकार का कंट्रीब्यूशन रहता है और उसके बाद वो मार्केट में जो लगाया जाता है, मार्केट से जो पैसा आता है उस पैसे में, तो NPS में जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो 14% है, यानी 10% सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह से कटता है, 14% सरकार देती है और उसके बाद उसको मार्केट में लगाया जाता है, फिर मार्केट से रिटर्न आता है। तो वो जैसे अलग अलग बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि 30-35% तक रिटर्न आ जाता है, कोई कहते हैं कि 5-6% ही रिटर्न आ रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इसलिए सब लोग कह रहे हैं कि आप गारंटी दे दो,
तो सरकार ने जो प्रपोजल किया है, यानी जो फाइनेंस सेक्रेटरी की कमेटी ने जो रिकमेंड किया है, वो यही रिकमेंड किया कि आंध्र प्रदेश की तरह आप उसमें जो सरकार का हिस्सा है 14% प्लस डीए भी इसमें इंक्लूड है, डीए और जो मार्केट से पैसा, जो मार्केट में आपकी इक्विटी लगाई जाएगी, आपका शेयर लगाया जाएगा, उसमें से जो रिटर्न आएगा, मान लिया रिटर्न 30% या 35% आता है, तो जो बाकी टॉप अप होगा, यानी 15%, 20%, 30%, जो भी होगा, जो भी टॉप अप होगा वो सरकार करेगी। तो ये प्रपोजल दिया था फाइनेंस सेक्रेटरी ने, लेकिन वो प्रपोजल अभी प्रपोजल लेवल पर ही है, वो सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। उसकी क्या वजह है समझ नहीं आया, लेकिन जो लोगों ने इस वक्त प्रेशर बनाया हुआ है सरकारी कर्मचारियों ने, और जो हम लोग भी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चुनाव से पहले इसकी घोषणा हो जाए, ताकि लोगों की जो रिटायरमेंट के समय एक सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, पूरा जीवन वो सरकार में काट देते हैं, तो उनको कम से कम सम्मानजनक पेंशन मिल जाए, ताकि उनको वो अपना गुजर बसर ठीक से कर सके, अपने बच्चों पर उनको निर्भर न रहना पड़े। तो उसके लिए सरकार क्या इसमें पॉलिसी है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी जो जानकारी थी कि सरकार अनाउंस करने वाली है, लेकिन अभी तक नहीं किया है। तो इसलिए अभी लोगों ने दबाव बनाया है और बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही एनपीएस को लागू कर सकते हैं, एनपीएस में सुधार कर सकते हैं, यानी ओपीएस जैसा एनपीएस ला सकते हैं। मित्रों, तो दूसरी जो प्रॉब्लम आई है वो है एमटीएस को लेकर, यानी मल्टीटास्क सर्विस को लेकर। इसमें सर्विस का, अगर आपको याद हो कि चतुर्थ श्रेणी को खत्म कर दिया गया था और कहा था कि जितने भी चतुर्थ श्रेणी है उनको तृतीय श्रेणी में शामिल कर लेंगे, तो जो उसके बाद मल्टीटास्क सर्विस की अपॉइंटमेंट होना शुरू हुआ। और सरकार का जो रूल है कि कम से कम लाइफ में 3 बार प्रमोशन मिलना है, लेकिन जो एमटीएस है, जब से वो जो कुछ लोग फोर्थ श्रेणी में रहे होंगे तब से लेकर अब तक उनको कोई भी प्रमोशन नहीं मिला है, यानी पिछले 30 वर्षों से वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनको प्रमोशन मिल जाए। तो वो लोग भी रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी उद्योग भवन पर, कभी शास्त्री भवन में, कभी नॉर्थ ब्लॉक में। तो कल भी उन्होंने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था महिला दिवस के मौके पर, और सरकार को एक ज्ञापन दिया, उनको बताया कि उनकी जो कैडर भी हो रखा है, और जितेंद्र सिंह, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह डीओपीटी हैं, उन्होंने उनको एश्योर भी किया, रिटर्न में भी एश्योर किया कि हमने आपका कैडर रिव्यू मान लिया है, बस सरकार का ऑर्डर आना बाकी, यानी उनके प्रमोशन निकलने बाकी हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने तक उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलता है, तो वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रमोशन मिल जाए तो कम से कम उनको भी सेवानिवृत्ति के समय एक सम्मानजनक उनका रिटायरमेंट हो और सम्मानजनक तरीके से उनको पैसा भी मिल जाए, और या इसमें अगर एनपीएस में भी सुधार हो जाए तो उनको सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग खूब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी उन्होंने खूब किया और आने वाले दिनों में भी करेंगे, उनका ये कहना है। और वो दबी जुबान पर कह रहे हैं कि सब लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को वोट देना चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी तो वो फिर वोट नहीं देंगे, उनके परिवार वालों को भी नहीं देंगे, नहीं देने देंगे। इस तरह की बातें हो रही है, हालांकि ये लोगों का गुस्सा है, उस गुस्से को ठंडा करने की ज़रूरत है कि अगर प्रधानमंत्री को ये बात वहाँ तक पहुँचती है कि भाई एक वर्ग ऐसा भी है सरकारी कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का, और जो एमटीएस हैं उनका एक डिमांड उनकी प्रधानमंत्री तक पहुँचे, तो ज़रूर प्रधानमंत्री इस पर सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। और उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर वो इसमें कोई सुधार भी होता है तो बहुत ज़्यादा सरकार पर लोड नहीं आने वाला है, और एमटीएस वालों को भी अपनी जो उनका ड्यू है वो ड्यू मिल जाए, कैडर रिव्यू जाए, वो जो है कम से कम जूनियर स्केल पर आ जाए और एक होता है कि सम्मानजनक तरीके से रिटायर हो जाए। तो मित्रों, इसमें अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो जरूर दीजिएगा। इस पर मैं नया और वीडियो बनाऊंगा, तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।